पतरस की पहली पत्री अध्याय एक। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कप्पतुकिया, आसिया और बेतुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है, और इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से सताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह की आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर ये प्रकट किया गया कि वो अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने
नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। ये वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। अध्याय 2। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। वो ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वो तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वो ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पद्धारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हरेक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वो कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के
पर कुटिलों के भी, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। अध्याय 3। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, और तुम्हारा सिंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरो। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। निदान सबके सब एक मन और कृपामयी और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ,
पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वो जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए, और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्ग दूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। अध्याय 4। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं मतवालापन लीला क्रीड़ा पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वो अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वो बुरा भला कहते हैं, पर वो उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लिखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो पर आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ्य युगानुयुग उसी की है, आमीन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है,
पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वो भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। अध्याय 5। तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता के कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। मैंने सिल्वानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूं, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो। जो तुम्हारी नाई परमेश्वर की चुनी हुई है और बाबुल में निवास करती है, वो और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम से चुंबन ले लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे।